अपेंडिक्स को छोटा मोटी समस्या मानने की जरूरत नहीं है, अगर ये कॉम्प्लिकेट हुई तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। नाउ क्वेश्चन हमेशा खड़ा होता है कि इसको कैसे पहचाने, इसके क्या सिम्टम्स एंड साइंस हैं। जो सबसे पहला सिम्टम आएगा दैट इज पेन, बहुत सीवियर पेन होगा जो नाभि के चारों तरफ होगा बट धीरे धीरे दाईं तरफ नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। नंबर सेकंड इज द लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे ही अपेंडिसाइटिस चालू होगी आपकी भूख एकदम गायब हो जाएगी, आपको जिम चलाने लगेगा, आपको वॉमिटिंग चालू हो जाएगी। एंड नंबर चार, दूसरे या तीसरे दिन आपको फीवर आ जाएगा। सो दीज आर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो आना चालू हो जाते हैं। अगर हम एग्जामिन करेंगे तो इस तरफ का जो एरिया है उसमें टेंडरनेस होगी, उसमें रिजिडिटी होगी, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसमें हल्की सी गार्डिंग आ जाए। नाउ एक बार अगर अपेंडिसाइटिस का अटैक आया तो उसे ट्रीट कैसे किया जाएगा? देखिए, माइल्ड एंड मॉडरेट अटैक यानी जो छोटे अटैक्स हैं वो वास्तव में सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। पेन किलर चाहिए, वॉमिटिंग है तो उसके लिए मेडिसिन चाहिए, आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो इंट्रावीनस फ्लूड चाहिए, इसके अलावा एंटीबायोटिक चाहिए बिकॉज इट इज इन्फेक्टिव एटियोलॉजी। तो ये चारों चीजें हैं जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आती हैं। अगर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट को देखें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिन्हें माइल्ड या मॉडरेट अटैक आता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। बट एट टाइम्स अगर ये अटैक ठीक नहीं होता है तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं अपेंडेक्टमी। एंड अपेंडेक्टमी करके हमें जो अपेंडिक्स है उसको निकलवाने की जरूरत पड़ती है। तो जो सर्जरी का जहां तक सवाल है वो दोनों स्टेज में होगी। अगर अटैक आया, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो अपेंडिक्स को निकालने की जरूरत पड़ सकती है, या ये जो अटैक बार 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 आ रहा है तो भी आपको ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ती है एंड अपेंडिक्स को निकालने की जरूरत पड़ती है। मुझसे अगर पूछें तो जो स्टैंडर्ड अपेंडिसेक्टमी है वो बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है। ये बात सही है कि अगर कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी अपेंडेक्टमी की जरूरत पड़ी तो कभी कभी 1-2% पेशेंट्स में थोड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस का डर रहता है। अगर इन कॉम्प्लिकेशंस को देखें तो हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन डेवलप नहीं हो जाए एट द लोकल साइट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस एरिया में कुछ एब्सेस डेवलप हो जाए या हल्का सा पस का पॉकेट डेवलप हो जाए। नंबर तीन, जो आपको चीरा लगाया हुआ है उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कभी कभी फीकल फिस्चुला हो जाता है, इन द सेंस कि जहां से अपेंडिक्स का स्कार है या जहां से ऑपरेट किया गया है उसमें से कभी कभी लेटरिन आने लगती है। ये कुछ दिनों के लिए होता है, अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर इमरजेंसी अपेंडेक्टमी हुई तो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन की संभावना होती है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practive.